न्यूज पॉइंट लाइव में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को याद होगा आज 4 साल पहले जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, और जिस दिन उद्घाटन किया गया था उस दिन ये वादा किया गया था कि आप टोल पे कीजिए, ये रास्ता 24/7 और 365 डेज 365 दिन चलता रहे। आपने मैंने इस वादे पर यकीन किया और तब से लेकर आज के दिन तक आप और सब नागरिक ही और नागरिक के नाते बन टोल करते हैं। कई बार वो टोल जो आप बन प्लाजा पे पे करते हैं वो टोल आपकी जेब के लिए महंगा भी पड़ता है, आपकी जेब पर भारी भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आप इस समझते हैं देश को बनाना है, देश को बनाने के लिए हमको भी उसमें पूरा योगदान, हम तो योगदान कर रहे हैं, लेकिन बन टोल प्लाजा पे हमसे टोल तो लिया जा रहा है, लेकिन क्या वो सुचारू रूप से चलाने का वादा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपसे और मुझसे किया था, क्या वो नेशनल हाईवे सुचारू रूप से चलता है? जब ये सवाल आप पूछेंगे तो आप जवाब दोगे। इन दिनों बन टोल प्लाजा के आगे जो टनल है उन टनलों के बीच में आप जानते हैं ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं, उन ब्रिजेस में से एक ब्रिज में पहुंचकर आज वहाँ पहुंची हमने जानने की कोशिश की क्या गड़बड़ है, तो मालूम ये पड़ा इस ब्रिज के बीचों बीच स्टील लगाया गया, जो स्टील लगाया गया है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आम जो वर्कर है ये काम को बैठ गया है और उसको ठीक करने का समय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब ये एनुअल रूटीन रिपेयर और मेंटेनेंस वाला काम, यदि रूटीन रिपेयर और मेंटेनेंस वाला काम है तो फिर आपको पूरा पूरा ट्रैफिक क्यों बंद करना पड़ता है, फिर आप इस वक्त दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही टनल से क्यों गुजर रहा है, क्यों चल रहा है? ये वो सारे सवाल हैं जो मन आपका भी करता होगा कि आप पूछें, लेकिन आप जानते हो मैं और आप कंज्यूमर हैं, मैं और आप आम नागरिक हैं, और आम नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, मुझको और आपको तो बन टोल प्लाजा के ऊपर कल 300 रुपया भी टोल हो जाए तो वो पे करना है। लेकिन क्या जनता होते हुए मेरा और आपका फर्ज ये नहीं बनता कि ये जो सामने दृश्य आपको दिख रहा है कि एक ही टनल से सारी आवाजाही हो रही है, क्या आपका और मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि एक भारतीय नागरिक होने के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये सवाल पूछें कि अगर आप अपनी मर्जी का टोल हमसे बन टोल प्लाजा पे लेते हैं तो हमारी मर्जी का रास्ता हमें क्यों नहीं मिलता? ये सवाल मुझे लगता है आपको और मुझे पूछना चाहिए। न्यूज़ पॉइंट लाइव में अभी के लिए इतना ही, फिर